दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाना चाहूंगा। ये हमारे पास है Vivo T2X 5G मोबाइल और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्मार्ट कॉल सेटिंग को यूज कैसे किया जाता है। बहुत ही गजब की सेटिंग है, इसको आप एक बार इस्तेमाल करके जरूर देखें। तो सेटिंग कैसे यूज किया जाएगा ये मैं आपको बता दूं। मोबाइल की सेटिंग को ओपन करेंगे। मोबाइल की सेटिंग ओपन होने के बाद यहां पर दोस्तों देखिए शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर स्मार्ट मोशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर स्मार्ट कॉलिंग का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर चार ऑप्शन मिल जाएंगे, तो चारों ऑप्शन के बारे में मैं आपको एक एक करके समझा देता हूं। ये पहला ऑप्शन है स्मार्ट आंसर का, अगर इस टिक को आप ऑन करोगे उसके बाद मान लीजिए अगर आपके मोबाइल में इनकमिंग कॉल आ रही है, जैसे ही फोन अपना कान के पास ले जाओगे तुरंत दोस्तों जो है कॉल रिसीव हो जाएगी। उसके बाद है यहां पर स्मार्ट स्विच, अगर इस टिक को दोस्तों आप जो है ऑन करोगे उसके बाद मान लीजिए अगर आप दोस्तों जो है स्पीकर पर बात कर रहे हैं, ठीक है, और जैसे ही अपना फोन कान के पास ले जाओगे तो इस रिसीवर से आवाज आने लगेगी। उसके बाद चौथा ऑप्शन है स्मार्ट म्यूट का, अगर इस टिक को आप ऑन करोगे उसके बाद अगर आपके मोबाइल में इनकमिंग कॉल आ रही है, अपना मोबाइल पलट के उल्टा रख दोगे या हाथ से आप ढक दोगे तो तुरंत दोस्तों वो जो रिंगटोन जो बज रही थी वो म्यूट हो जाएगी। उसके बाद चौथा ऑप्शन है वैन टू हैंड्स फ्री, इस टिक को अगर आप ऑन करोगे उसके बाद अगर आपके मोबाइल में इनकमिंग कॉल आ रही है और जैसे ही अपना फोन कान के पास ले जाओगे तो तुरंत कॉल रिसीव हो जाएगी और इस स्पीकर से आवाज आने लगेगी, यानी हैंड्स फ्री पर कॉल होने लगेगी। तो इस प्रकार से आप इस मोबाइल में स्मार्ट कॉल सेटिंग को यूज कर सकते हो।